नमस्कार, हेडलाइन सर्चल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना चोपड़ा। और चलिए आज एक खबर की तरफ रुख कर लेते हैं जो कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर से जुड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाती है ना, तो अब कुछ बात में बात ही नहीं रह गई है। और बात अगर कांग्रेस की है तो ये कहा जा रहा है कि अब फिलहाल कांग्रेस में जब इस तरह के नेता मौजूद होंगे तो किस तरह वो सत्ता पक्ष से अपने लिए लड़ाई लड़ पाएगा, या फिर अगर कहा जाए तो एक विपक्ष के तौर पर कैसे खुद को एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रख पाएगा। यानी कांग्रेस में अब उस तरह का मादा नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जहां अगर हम आलाकमान की बात करें तो आलाकमान कहीं ना कहीं अभी सोई बैठी है। कांग्रेस की आलाकमान की तरफ से कुछ इस तरह के कार्य किए ही नहीं जा रहे जिससे ये कहा जाए कि अब हालात कांग्रेस के पक्ष में होंगे, आने वाले वक्त में और भी कुछ बेहतर हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल हम शशि थरूर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला, एक बार फिर से सदन में भाषण देते दिखाई दे रहे थे, जबकि शशि थरूर बारामती से एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नजारा बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बातचीत जो है वो बहुत अलायदा ढंग से की जा रही है, बहुत बेहतर तरीके से कन्वर्सेशन की जा रही है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। संसद की गरिमा भी उसमें नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि शशि थरूर और सुप्रिया सूले की बातचीत का ये वीडियो लोकसभा सत्र के दौरान का है। यानी संसद की गरिमा की बात तो आ ही नहीं रही है। इसमें लेटे हुए हैं अपने डेस्क पर शशि थरूर और बातचीत चल रही है सुप्रिया सूले के साथ। और इस वीडियो के सामने आने के बाद ट्विटर्स पर यूजर्स ने मीम्स की बौछार कर दी है। अब उनके नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया जिसमें ओरिजिनल क्लिप की जगह पर अभी जो फिल्म रिलीज हुई थी पुष्पा, उसके गाने को लगाया गया है। और 45 सेकंड के इस वीडियो को पुष्पा के श्रीवल्ली के गाने की धुन पर एडिट किया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस के नेताओं की इसी तरह से खिल्लियां उड़ाई जाएंगी? क्या ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस के नेता देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे ये कहा जाए कि अब देश की जनता उनकी तरफ टकटकी लगाकर देखे? किसान आंदोलन हो रहे हैं, गरीबों की लगातार जो भद है वो पिटते जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से श्रीलंका की मदद की जा रही है, टनों टन पेट्रोल डीजल भेजा जा रहा है आर्थिक स्थिति को उनकी ठीक करने के लिए, वहां के संकट से निपटने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। लेकिन भारत की जनता के लिए क्या यहाँ के नेता कुछ भी करने लायक हैं? क्या यहाँ ये कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसमें हम गलतियां ढूंढ रहे हैं तो वो उस गलतियों को ठीक कराने के लिए विपक्ष संसद में आवाज उठाएगी? ऐसा तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो सांसद हैं, वो इस तरह की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। और इन हरकतों से आप एक चीज साफ तौर से समझ सकते हैं कि आखिरकार आने वाला वक्त हमें किस ओर लेकर जा रहा है। क्या हम डिक्टेटरशिप की तरफ दौड़ रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में सिर्फ हमें एक ही चेहरे को फॉलो करना है, जैसे जर्मनी में हिटलर को फॉलो किया जाता था, लगातार हिटलर की ही बातों को माना जाता था, कितने ही लोगों के खून बहाए गए, कितने ही लोगों की जान चली गई वहाँ पर? और क्या इसी तरह के हालात आने वाले वक्त में होंगे कि यहाँ पर जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जाने ली जाएंगी, लोगों का कत्लेआम होगा, लेकिन उसे सरकारी तमगा पहना दिया जाएगा, उन तमाम चीज़ों पर कवर अप कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, ना ही किसानों के पक्ष में, ना गरीबों के पक्ष में, ना उस आम आदमी के पक्ष में जो वोट करता है, ये चाहता है कि उनकी आवाज़ को संसद में बुलंद किया जाए। और इस तरह के वीडियो आपके सामने आते रहते हैं। खैर, फिलहाल आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने हम इसी तरह के मुद्दे लगातार उठाएं, आप चाहते हैं कि हमारी बात, आपकी बात इस चैनल के ज़रिए सरकार तक पहुंचे, सरकार आपकी ओर उन्मुख हो, आपके बारे में जाने कि आखिरकार आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।